चिंता की कोई बात नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने। तो जैसा कि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो नहीं मानते हैं कि नहीं है कोरोना, लोग बहुत लोग फैल कर रहे हैं कि नहीं है कोरोना, ये अफवाह है, बीजेपी का है, नाटक है, ऐसा सब कुछ। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, तो मुझे एक वीडियो मिली है दोस्तों डॉक्टर, ये कोरोना तो मीडिया का फैलाया हुआ है, नॉर्मल खांसी जुकाम ही तो है, सबको होगा, डरने की कोई बात नहीं है। आपको भी ऐसे लोगों ने बोला होगा ना, आपको भी ऐसे मैसेजेस आए होंगे। पर डरने की बात है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, पेपर में श्रद्धांजलि कॉलम की जगह नहीं है, देयर इज वन डॉक्टर फॉर एवरी 1400। एक डॉक्टर की वीडियो है, मैं उसको आपको दिखा दूं इस वीडियो के थ्रू, कि जो नहीं मान रहे हैं वो सो जाए सावधान, की ऐसी कोई बात नहीं, बाहर निकल। 45 पेशेंट, जस्ट वन डॉक्टर। और तो और कुछ लोगों के लिए अनलॉक तो वेकेशन की तरह आया है, शॉपिंग हो रही है, सड़कों पे गोलगप्पे पार्टीज हो रही है, पर हम पार्टी नहीं कर रहे क्योंकि हम स्ट्रेस और डर में है। स्ट्रेस इस बात का कि हमारे फैमिली मेंबर्स रिस्क पर है, स्ट्रेस इस बात का कि बैक टू बैक ड्यूटीज नहीं दी, ऑन कॉल नहीं गए तो मैनेजमेंट हमें डिग्री नहीं देगा, नर्सेस को स्ट्रेस। मास्क जरूर ले लें, तो आप अपनी सावधानी बरतें, बाकी जो नहीं मान रहे हैं उनको ना माने, तो बहुत चीजें लोग नहीं मानते। इस बात का कि मैनेजमेंट जॉब से निकाल देगा, कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को कोविड हो जाने पर मैनेजमेंट उनको पनिश करता है, और कई डॉक्टर्स ये स्ट्रेस नहीं झेल पाते और सुसाइड करते हैं। बहुत इजी होता है घर बैठे बैठे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, मीडिया को ब्लेम करना, पर अगर आज कोई सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना मिलने के वजह से हमारे बीच नहीं है, तो गलती उस इंसान की है जो आज। तो उसका क्या आप ले सकते हैं कि मनवाने की जरूरत कितनी है, जो जिसके ऊपर पड़ेगा वो खुद ऑटोमेटिक मानने लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, ना मानने वाले के लिए ये वीडियो है, आप देखिए। आज भी कंधे ऊपर करके ये कहता है कि ये कोरोना कुछ नहीं है, चल पार्टी करते हैं। गलती उन लोगों की है जो बारिश के बाद पिकनिक का प्लान बनाते हैं, और जो आप कहते हैं ना कि मास्क लगाने पर आपको सांस नहीं आती, तो एक घंटा पीपीई किट पहनकर बताइए। हम पूरे दिन पीपीई किट पहनते हैं, हम तो जिंदा है, हमें तो सांस आ रही है। और अगर आपको लगता है कि हर पॉजिटिव पेशेंट पे डॉक्टर को पैसे बोल रहे, जो आप देखा इस वीडियो को आपने, ये वीडियो थी डॉक्टर जी की, तो ये समझाए आपको, यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो जयराम जी के बाहर में जाओ। मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं, हम अपनी सैलरी पर ही काम कर रहे हैं, कोई फॉल्स पॉजिटिव केसेस हम नहीं बताते, हम और हमारे फैमिली मेंबर्स साथ में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हमारे वजह से उनको ये बीमारी ना लग जाए। 382 डॉक्टर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स हैव डाइड ड्यू टू कोरोना, और आपको तो उन लोगों का नाम तक नहीं पता, इसलिए सिम्टम्स आते ही। और दूसरी काम, जो नहीं मान रहा है तो कुएं में एक लोग कूद रहे हैं तो हजारों कूदने की जरूरत नहीं है भाई, यही मैं कहूंगा। और दूसरा काम, इस वीडियो में जो चीज बताई गई है सच्चाई, ये डॉक्टर की एक सच्चाई अपनी घटित घटना बताई है जो आपको मैं वीडियो दिखाई, क्योंकि लोगों को कोरोना दो बार हो चुका है, कई लोग जो हाई इम्यूनिटी वाले हैं उनको भी हो रहा है, इसलिए कोई नहीं बचेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है। आज उन सभी डॉक्टर्स की तरफ से जो हमारे बीच नहीं है, और वो सभी डॉक्टर्स जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैं रक्षंदा आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि लापरवाही मत बरतिए अपने। क्या कर सकते हो उसके लिए, मत समझो, कौन समझाएगा आपको, कौन समझाएगा, समझाने वाले को समझाया जाता है, जो ना समझे उसे क्या समझाना। मास्क जरूरी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ मास्क बाहर लेकर ही निकल, यही मेरी विनती थी, यही विनती डॉक्टर की। तो आप लोग से निवेदन है कि जब भी कहीं आप जाएं तो मास्क लेकर